फ्रेंड्स, क्या आपके भी दिल के अरमां आंसुओं से ऐसे बह गए और आप सोचते रह गए और आपका बैली फैट, पेट की चर्बी बढ़ती ही चली गई? तो मैं आपको यह बताऊंगी कि आप अपने बैली फैट को कैसे कम कर सकते हैं। आपको अगर पतले होना है, अपने पेट की चर्बी कम करनी है, तो कुछ आसान से एक्सरसाइज है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा शुक्ला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज में आपको राइट हैंड को अपने लेफ्ट पैरों के घुटने पर टच होना चाहिए। वीडियो में दिखाए अनुसार लेफ्ट हैंड को अपने राइट वाले घुटने पर टच करना है। यह एक्सरसाइज आपको 10 बार करना है, यानी 30 सेकेंड तक एक एक्सरसाइज को आपको डेली करना है। आपको एक्सरसाइज कभी भी शूज पहनकर करना चाहिए। अब दूसरे एक्सरसाइज का नाम है साइड बेंड एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज में आपको लेफ्ट वाले हाथ को अपने कानों से टच होके हाथ को स्ट्रेट ऊपर तक लेकर जाना है। ठीक उसी तरह से राइट वाले हाथ को अपने कानों से टच होकर हाथों को स्ट्रेट ऊपर तक लेकर जाना है और अपनी कमर को थोड़ा बेंड करें वीडियो में दिखाए अनुसार। जैसा वीडियो में दिखाया है ठीक उसी तरह आपको वैसा ही फॉलो करना है। एक्सरसाइज में आपको लेटकर अपने घुटनों के बल पर और अपने हाथों को स्ट्रेट रखकर यह एक्सरसाइज करना है। और अगर आप डेली करते हो एक्सरसाइज तो आपको ब्रेक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटिन्यू आपको खाली 10 मिनट तक यह एक्सरसाइज को करना है और बीच बीच में आप स्टार्टिंग में ब्रेक ले सकते हो। यह एक्सरसाइज में आपको एक पैर ऊपर और दूसरा पैर नीचे लेकर आना है वीडियो में दिखाए अनुसार। और आप एक बात का ध्यान रखें कि आपकी कमर यह एक्सरसाइज करते वक्त एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए वीडियो में दिखाए अनुसार। इस एक्सरसाइज में आपको जमीन पर लेटकर अपने दोनों पैरों के घुटनों को जोड़कर यह एक्सरसाइज आपको वीडियो में दिखाए अनुसार करना है। यह एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को ऊपर करके फिर अपने हाथों को ज़मीन पर टच करें, फिर अपने पैरों को पीछे की ओर ले जाए वीडियो में दिखाए अनुसार। आपको ठीक उसी तरह वापस से खड़े होना है। यह वीडियो में दिखाए अनुसार आपको इसे फॉलो करना है। एक्सरसाइज आपको जंपिंग करते अपने पैरों को आगे पीछे करना है और अपनी कमर को स्ट्रेट ही रखना है। यह एक्सरसाइज आपको स्टार्टिंग में करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर रेगुलर बेसिस पे करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस एक्सरसाइज में आपको लेट करके अपने गर्दन को ऊपर नीचे करते हुए अपने हाथों को वीडियो में दिखाए अनुसार करें और ट्राई करें कि ऊपर जाते वक्त आपकी कमर स्ट्रेट हो। आप यह एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते हो तो आपको जल्द ही फर्क देखने को मिलेगा।
बैठ के अपने कमर को स्ट्रेट रखते हुए अपने दोनों घुटनों को जिम्मे दिखाए अनुसार यह एक्सरसाइज आपको करना है। इस एक्सरसाइज में आपको बैठकर अपने हाथों के बल पर अपने पैरों को ऊपर नीचे करें, ठीक उसी तरह जैसे वीडियो में बताया गया है। यह एक्सरसाइज आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, पर यह एक्सरसाइज से आपको जल्द ही फ़र्क देखने मिलेगा। खड़े होकर अपने हाथों के बल पर नीचे आना है, ठीक उसी तरह जैसे वीडियो में बताया गया है, और फिर आपको वैसे ही वापस खड़े होना है। यह एक्सरसाइज को आपको 10 बार करना है, यानी 30 सेकेंड्स तक। इस एक्सरसाइज को करने पर आपको जल्द ही फ़र्क देखने मिलेगा। इस एक्सरसाइज में आपको राइट हैंड को अपने लेफ्ट वाले घुटने पर टच करना है और फिर लेफ्ट हैंड को अपने राइट वाले घुटने पर टच करना है, ठीक उसी तरह जैसा वीडियो में बताया गया है। सुपरमैन एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज में उल्टा लेटकर अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लेकर जाना है और फिर अपने ज़मीन पर टच करना है, ठीक उसी तरह जैसा वीडियो में बताया गया है। यह एक्सरसाइज आपको 10 बार करना है, यानी 30 सेकेंड्स। जंपिंग जैक एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज में अपने हाथों को ऊपर के ओर ले जाएं और उसी के साथ अपने पैरों में गैप देते हुए जंप करें। यह एक्सरसाइज भी आपको 10 बार करना है, यानी 30 सेकेंड्स। यह एक्सरसाइज में आपको अपने राइट हाथों को ऊपर और लेफ्ट वाले पैरों को एक साथ ऊपर ले जाएं, ठीक उसी तरह से अब अपने लेफ्ट वाले हाथ को और राइट वाले पैर को एक साथ ऊपर ले जाएं, अब वापस अपनी जगह पर आए, ठीक उसी तरह जैसा वीडियो में बताया गया है। अगर आपको जल्द ही फ़र्क देखना है तो यह एक्सरसाइज को आपको डेली करना होगा। सिर्फ 10 से 20 मिनट ही करने पर आपको जल्द ही फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।